कैसे हो? मैं हूँ खुशी। खुशी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का जेम, जिसे हम एक महीने तक रख के इसे खा सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही जल्दी बनने वाला है ये आम का जेम। आइए जानते हैं हमें इनके लिए किन चीजों की आवश्यकता है। 5-6 कच्चे आम मैंने लिया है, 350 से 400 ग्राम तक शुगर लिया है, चुटकी भर नमक चाहिए और इसे कलर देने के लिए हमें ये फूड कलर लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कच्चे आमों को कुकर में बॉईल कर लेंगे 4-5 सीटी आने तक। ऐसे हिलाते हुए हम सारे पल्प्स को छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो रेशे होंगे वो ऊपर की ओर ही रह जाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के भी इसे छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये रेशे जो है ऊपर की ओर हो गए हैं और ये हमारा अच्छा सा आम का पल्प तैयार हो गया। अब हम इसे एक कढ़ाई या एक पेन चढ़ाएंगे और अब इसे हम इसमें सारे पल्प्स को इसमें डालकर हम अब पकाएंगे मीडियम आंच पे, धीरे धीरे करके, ये जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। एक बॉयल आने तक हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें अब बॉयल भी आने लगे हैं। अब हम इसे थोड़े थोड़े टाइम पे इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। इसमें हम अब चुटकी भर नमक डाल देंगे। और इसे हम मीडियम आंच पे पकने देंगे और धीमे धीमे चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं जो चीनी की जो गंदगी है, जो चारों ओर झाग वो लग गई, इसे क्या करेंगे हम कलछुल से ऐसे निकाल कर फेंक देंगे। ऐसे साइड साइड में जो जमा हो गया है इसे हम निकाल कर फेंक देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जेम बन रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। फिर फूड कलर डालेंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हैं। हम इसमें इसके कलर के लिए हम इसमें ये फूड कलर डाल देंगे जो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है। और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। जेम बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में और इसे ठंडा करके हम एक जार में रख लेंगे, जिसे हम रख के एक महीने तक इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, ये बच्चों को खासकर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जेम बनकर तैयार है। इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम एक जार में निकाल लेंगे और इसे हम इस जार में रखकर इसे हम एक महीने तक यूज कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।